तो फ्रेंड आज हम आपके लिए लाए व्हाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली है रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। आप दो की जगह चार रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन और 5 से 6 बादाम, 6 काजू, 1 टुकड़ा नारियल और अदरक स्लाइस में कटी हुई इस तरीके से, और 5 से 6 हरी मिर्च, 20 से कटी हुई लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कटोरी दही और 3 मीडियम साइज की प्याज। आप इसे चॉप्ड कर सकते हैं, बारीक बारीक ग्रेट कर सकते हैं या पेस्ट भी बना सकते हैं। और ये लिया है हमने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये 2 टेबल स्पून क्रीम ली है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना, तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले हम कर लेंगे चिकन फ्राई ऑयल में इस तरीके से, इनको फ्राई कर लेंगे। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, जितना आप ज़्यादा खाना खाते हैं ज़्यादा डालें तो आपको ले सकते हैं रिफाइंड ऑयल। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाता। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और ये स्लाइस में कटी हुई अदरक, इससे हमारा चिकन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा अदरक से। तो इसको इसमें नमक और अदरक डालकर इसको पका लेंगे, पकाते रहेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई चिकन बनके तैयार होगा। आप सारे चिकन खाना भूल जाएंगे रेस्टोरेंट के, इतना टेस्टी बनके तैयार होगा ये चिकन। इस तरीके से ये फ्राई करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे दही। तो अब हम इस दही में, ये हमने कटोरी दही लिया, इसमें हमने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें, और धनिया पाउडर डाल देंगे दही में। इसे मिला के इसको दही में मिला देंगे हम, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर को मिला के अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिया दही। अब देखिए अब हमारा ये दही इसमें डल चुका है। अब दही जो पानी रिलीज करेगा उससे हमारा चिकन पक जाएगा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कुकर में रख देंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करने रख देंगे। दही से जो पानी रिलीज होगा उसमें निकलेगा, उसमें ये हमारा चिकन गल जाएगा। दही के पानी से हमारा चिकन गल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी वो हमने पेस्ट बना लिया है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। अब हम प्याज तब तक पकाएंगे जब तक प्याज का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता इसमें। तो पकाएंगे 10 मिनट तक। फ्रेंड्स यकीन मानिए इतना टेस्टी ये वाइट चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगा कि आप और चिकन खाना भूल जाएंगे। अब इसको तब तक पकाएंगे प्याज का कच्चापन खत्म ना हो जाए, 5 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड हमारे प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है, हमने प्याज डाल के इसे 5 मिनट पकने रखा था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी की स्टिक और लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमने 1 काजू बादाम, 1 नारियल का टुकड़ा पीसा लिया था, वो हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, काजू बादाम नारियल का। अब हम इसे
इससे फ्लेवर बहुत ही इनहेंस होगा इससे। अब हम इसे और पकने रख देंगे 5 मिनट, इसको हम 5 मिनट के लिए पकने रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन पक चुका है, हमने लहसुन डाला था, उसका कच्चापन खत्म हो चुका, बहुत अच्छे से भुना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम, हमने इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स, क्रीम डालने के बाद हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस 1-2 मिनट तक ही इसे पकाना है। और इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, इससे हमारा हरी मिर्च से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हरी मिर्च से बस हमें 1-2 मिनट ही पकाना है। तो ये बनकर तैयार है हमारा व्हाइट चिकन कढ़ाई बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप भी अपने घर पर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा धनिया पत्ती से। चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुका है, आप भी इसी तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।